गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एडवियोक एकेडमी में। आज फिर हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास वर्क एंड टाइम, काम और समय। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचे। चलो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। वर्क एंड टाइम, ये क्लास 8 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, और ये आरडी शर्मा की बुक से लिया हुआ है जो हम सोल्व करने वाले हैं अभी क्वेश्चन। वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम क्या होता है? वर्क हो गया आपका जो काम है, और टाइम जो समय है, जो उसमें समय लग रहा है। यानी हम यहाँ पे या तो उसका काम कैलकुलेट करेंगे या फिर उसका समय। मान लो एक चीज़ को कोई 5 आदमी 10 दिन में करते हैं तो बताओ 7 आदमी कितने दिन में करेंगे। इस तरह के जो क्वेश्चन है कि मतलब आपके पास वर्क है, कितने दिन का काम है, उसमें डेज दिया होगा, टाइम डेज में होगा, आवर्स में होगा, मिनट्स में होगा, सेकेंड्स में होगा, यानी जो टाइम है वो ऐसे दिया हुआ होगा। एक्स मैन कंप्लीट्स ए टास्क या वर्क इन डी डेज। एक्स आदमी है जो किसी काम को, किसी वर्क को डी डेज में, डी दिन में करते हैं, तो हम वहां पे ये भी लिख सकते हैं कि जो एक्स आदमी है, एक्स मैन, एक्स मीन्स वन डे वर्क, यानी उनका एक दिन का काम। एक्स आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? देखो, उन्होंने हमारे पास दिया था कि एक्स आदमी जो कंप्लीट करते हैं किसी काम को डी दिन में करते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि भाई वो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो हम उसको लिख सकते हैं 1/d, यानी इसको अपोन में कर देंगे तो इतना हिस्सा वो काम का पूरा कर देंगे, इतना पार्ट जो है ये काम का पूरा हो जाएगा। ये है पार्ट ऑफ वर्क जो वो कर देंगे, 1/d पार्ट ऑफ वर्क, यानी इतना हिस्सा, 1/d हिस्सा वो पूरा कर देंगे। तो फर्स्ट चीज तो हो गई आपकी ये, यदि एक्स आदमी एक काम को डी दिन में करते हैं तो उनका एक दिन का काम होगा 1/d। इसी का उल्टा, यदि एक्स मैन वन डे वर्क इज 1/d, मान लो एक दिन में इतना काम करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इससे ये पता चलता है कि एक्स मैन कंप्लीट द वर्क इन डी डेज, है ना। उसी चीज को हमने सिर्फ उल्टा लिखा है कि हमारे पास अगर दिया हुआ है कि भाई 1/d काम वो करते हैं एक दिन में, तो उनको डी दिन लगेंगे पूरा काम खत्म करने में। राकेश कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, हाउ मच वर्क कैन ही डू इन 4 डेज। हमें वर्क बताना है और बोल रहा है कि राकेश जो है वो एक काम को 20 दिन में करता है, और बताओ 4 दिन में वो कितना काम करेगा। कि राकेश जो है वो 20 डेज में काम पूरा कर रहा है, काम कर रहा है, तो राकेश will do the work in 1 day। एक दिन में कितना काम करेगा, हमने वही स्टेटमेंट याद है कि अगर वो डी डेज में काम करता है तो उसका एक दिन का काम हो जाएगा 1/d, और डी की जगह क्या है 20, तो उसका राकेश का एक दिन का काम आ गया। ये एक दिन का काम है राकेश का। हमें क्या बताना है कि राकेश 4 दिन में कितना काम करेगा, है ना। एक दिन में थोड़ा काम करेगा, 4 दिन में काम कितना करेगा, पर ज्यादा काम करेगा। और ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, देखो दो चीज का ध्यान रखना, कोई चीज ज्यादा करनी हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, कम करना हो तो डिवाइड करते हैं। तो ये क्या करेगा, 4 दिन में तो मोर वर्क करेगा ना, एक दिन में इतना करता तो 4 दिन में कितना करेगा, मोर करेगा, और मोर के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई, 4×5=20, आपके पास आ गया 1/5, यानी उसने इतना काम किया। इसका मतलब हो गया कि राकेश
will do 1/5 of work in 4 days, है ना, कि वो इतना काम खत्म करेगा. वेरिएशन, आपने वेरिएशन लास्ट हमने जो क्लास की थी वेरिएशन की थी, अगर वेरिएशन के बेस पे इसको करना चाहे, यहाँ पे दो चीज़ दी हुई है, एक तरफ दिया हुआ है वर्क और दूसरी तरफ दिया हुआ है नंबर ऑफ डेज. तो वर्क क्या हुआ, वर्क तो एक होगा ना, काम तो पूरा एक होगा, ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, वो 20 दिन में काम को करता है. अब हमें क्या पूछा गया है कि वो 4 दिन में कितना करेगा, 4 दिन में हमने एज्यूम कर लिया एक्स करेगा. अब अगर यहां पे दिन क्या हो रहे हैं, दिन कम हो रहे हैं, है ना, तो यानी यहां पे डिक्रीज हो रहा है, 20 से हम 4 दिन पे आ गए. सबसे पहले हमें रिलेशन देखना है वर्क में और डेज में, हमें ये कंपेयर करना है कि ये इनवर्स वेरिएशन है या डायरेक्ट वेरिएशन है. अब देखो नंबर ऑफ डेज हो रहे हैं कम, नंबर ऑफ डेज हमारे पास कम हो रहे हैं तो काम भी क्या होगा, काम भी कम होगा. भाई नंबर ऑफ डेज कम हुए तो हमारे पास काम भी कम होगा, तो ये कौन सा वेरिएशन हुआ, ये डायरेक्ट वेरिएशन हुआ. इसका मतलब क्या हुआ, 1/x = 20/4. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 20x = 4, एक्स की वैल्यू निकालेंगे 4/20 = 1/5, यानी 1/5 वर्क ही वो कर पाएगा. यही आंसर था हमारा. तो अल्टरनेट मेथड ये है, रोहन कैन पेंट 1/3 ऑफ ए पेंटिंग इन 6 डेज, हाउ मैनी डेज विल ही टेक टू कम्प्लीट द पेंटिंग. हमें ये बताना है कि वो कितने दिन में कम्प्लीट पेंटिंग करेगा अगर वो उसका 1/3 हिस्सा 6 डेज में करता है. यानी 6 डेज ही डू पेंटिंग इन 6 डेज इज इक्वल टू 1/3, है ना. 6 डेज में जो पेंटिंग की उसने कितनी की, 1/3 की, तो हम उसका 1 डे का निकालेंगे. 1 डे में कितनी करेगा, हमें पता है 1 डे में, इसको हम ले जाके 1/6 कर देते हैं, 1/3 ऑलरेडी था और इसको हमने कर दिया 1/6. भाई 6 दिन में वो इतनी पेंटिंग करता है, 1 दिन में कितनी पेंटिंग करेगा, 1 दिन में तो वो कम पेंटिंग कर पाएगा. और कम के लिए हम क्या करते हैं, हमने बताया कम के लिए हम डिवाइड करते हैं, तो हमने 6 को ले जाके डिवाइड में कर दिया, कितना आ गया 1/18. ये क्या आया, ये आपका काम आया, वर्क आया. 1 दिन में वो 1/18 यानी 1/18 काम करता है, 18 वर्क करता है, इतना वर्क करता है. तो इससे क्या हुआ, इसको अगर उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि 18 डेज में ही विल फिनिश द पेंटिंग. हमने क्या कहा था कि किसी का 1 दिन का काम अगर 1/d है तो उसका मतलब क्या है, उस काम को वो डी दिन में पूरा करेगा. तो वही चीज है, 1 दिन में ये इतना काम करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 18 दिन में उस पूरे काम को कर देगा. इसका उल्टा कर देते हैं, काम का उल्टा कर देते हैं, तो नंबर ऑफ डेज आ जाता है. अब हम पीछे वाले चैप्टर में चलते हैं, हमने वेरिएशन से इसे किया था, तो वेरिएशन में कैसे करेंगे, हमारे पास वर्क है या टास्क कुछ भी कह लो, वर्क है और डेज है. अब हमारे पास वर्क था 1/3, हमने उसको 6 दिन में किया. फिर काम तो कंप्लीट करना है, तो काम तो आपको पूरा कंप्लीट काम कितना होता है, 1 होता है, कंप्लीट काम को फिनिश करना है. नंबर ऑफ डेज हमें निकालना है. अब ध्यान देना, काम यहां पे पहले 1/3 था, अब 1 हो गया, यानी काम क्या हुआ, बढ़ गया. 1/3 था, 1 बड़ा है या 1/3 बड़ा है, 1 बड़ा है, तो काम हमने बढ़ा दिया. देखो मैं इसका इंक्रीजिंग का मतलब है, ये मैं एरो लगा रहा हूं, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है. इसमें हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ वर्क जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है. अगर नंबर ऑफ वर्क बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ डेज भी ज्यादा लगेंगे उस काम को खत्म करने में, तो ये चीज भी बढ़ेगी. इसका मतलब क्या है, ये एक डायरेक्ट वेरिएशन है. डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि जो इनका डायरेक्ट रेशियो है, यानी 1/3/1 = 6/x, या हम इसको लिख सकते हैं 1/3 = 6/x. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x = 6 × 3 = 18, सेम आंसर.
अनिल कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days. अनिल जो है किसी काम को 5 दिन में करता है. एंड अंकुर इन 4 days. अंकुर 4 days में करता है. हाउ लॉन्ग विल दे टेक अगर दोनों सेम वर्क को साथ करें, यानी काम सेम है और उन्हें साथ करना है. अनिल, हम दोनों का 1 day का टास्क लेंगे, 1 day का वर्क लेंगे कि दोनों 1 day में कितना करते हैं. अनिल विल डू वर्क इन 1 day. ऐसे लिख देते हैं 1 day. 1 day में अनिल का कितना हो जाएगा, 1/5. हमने क्या बताया था कि 1/D कर देते हैं तो वो उसका एक दिन का टास्क या वर्क या काम आ जाता है. अगर कोई काम डी डेज में होता है तो 1 day का काम 1/D होता है. तो अनिल का एक दिन का काम क्या हो गया, 1/5. ऐसे ही अंकुर, अंकुर विल डू वर्क इन 1 day कितना कर देगा, 1/4. क्योंकि अंकुर 4 दिन में काम को पूरा करता है तो उसका एक दिन का काम 1/4 हो जाएगा. अब वो क्या बोल रहा है कि दोनों साथ काम करें, यानी अनिल प्लस अंकुर. ध्यान देना इस साइन पे, हमेशा ध्यान देना ये साइन में क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि अनिल और अंकुर दोनों साथ काम कर रहे हैं. साथ का मतलब क्या है, दोनों ऐड हो रहे हैं, है ना. जब दोनों ऐड हो रहे हैं तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा दोनों का साथ. भाई एक तो कर देता है 1/5 यानी 1/5, दूसरा कर देता है 1/4. अनिल ने इतना कर दिया, अंकुर ने इतना कर दिया, तो दोनों ने मिलकर काम एक दिन में कितना कर दिया. एलसीएम लेंगे 20 आएगा, 5 4 जा 20 4 आ गया, 4 5 जा 20 5 आ गया, यानी 9/20 आ गया. हमारे पास क्या आया कि अनिल और अंकुर एक दिन में जो काम करते हैं वो करते हैं 9/20. 1 day में जो उन्होंने वर्क कंप्लीट किया वो किया 9/20. अगर 9/20 टास्क वो 1 day में करते हैं तो हाउ मेनी डेज लगेंगे उनको कंप्लीट वर्क करने में. अनिल प्लस अंकुर विल कंप्लीट द वर्क इन, अगर ये 1/D है, 1/D की फॉर्म में, अगर दिन में निकालना हो तो हम क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो वो क्या आ जाता है, नंबर ऑफ डेज. डेज को करेंगे वर्क में कन्वर्ट तो रेसिप्रोकल करते हैं, वर्क को डेज में करेंगे तो भी हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे. तो ये आ गया 9/20. अब इसको सोल्व करते हैं, 9 2 18, 2 इतने डेज उनको लगेंगे यदि वो दोनों काम साथ शुरू करते हैं. एक साथ मिलके काम अगर करते हैं तो उनको 2 home 2/9 डेज लगेंगे. सीता कैन फिनिश टाइपिंग ए 100-page डॉक्यूमेंट इन 9 hours, मीता इन 6 hours एंड रीता इन 12 hours. हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू टाइप ए 100-page डॉक्यूमेंट इफ दे वर्क टूगेदर. हमें सेम पहले वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है. एक 100-page का डॉक्यूमेंट है, ध्यान देना, इस 100-page से कंफ्यूज नहीं होना है. 100-page क्या है, ये आपके पास टास्क है या वर्क है ना, टास्क या वर्क कुछ भी कह लो, ये आपके पास वर्क है, यानी एक काम है. वर्क कितना है, एक है. एक काम में क्या है कि उसको 100 page टाइप करने हैं, 100 pages उसको डॉक्यूमेंट में बनाने हैं, ठीक है. अब जो सीता है इस एक काम को करने में, 100 page वाले काम को, देखो हमें 100 में ही निकालना है तो काम वही काम पूरा करना है, तो काम तो आपके पास एक ही है, तो इस चीज को आप छोड़ दो. अब आप एक काम को करते हो 9 घंटे में, 9 hours में, मीता करती है उस काम को 6 hours में, रीता करती है 12 hours में. हाउ लॉन्ग दे विल टेक टू टाइप या टू कंप्लीट वन वर्क टुगेदर. तो हमें यहां से क्या पता चला, सीता, हम वर्क की जगह वही चीज लिख सकते हैं कि 100-page डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करती है इन 1 hour 1/9. पेजेस
document in. सीता विल डू टाइपिंग ऑफ 100 पेजेस डॉक्यूमेंट इन 1 आवर. आर को मैं सिंपल एच आर लिख रहा हूं, 1 आवर. और 1 आवर में कितना करती है वो, 1/9. वो इतना हिस्सा उसका कंप्लीट कर देती है, हमने उसका काम बना लिया. यानी जो सीता ने 1 घंटे में किया वो 1/9 काम किया. अब मीता जो है वो इसी काम को 1 घंटे में कितना करेगी, 1/6. अब रीता है, रीता इस काम को कितने टाइम में करेगी, मतलब 1 घंटे में कितना काम करेगी, वो करेगी 1/12. हमने इन सब का 1 घंटे का काम निकाल लिया है. ये भी 1 घंटे का काम है इसका, और ये भी 1 घंटे का काम है. तो तीनों मिलके, यानी सीता टुगेदर की बात है तो मिलना है तीनों को, मीता प्लस रीता तीनों मिलके 1 घंटे में कितना काम करेंगी. भाई तीनों को मिलना है तो हमें तीनों का काम ऐड करना पड़ेगा, तीनों का काम ऐड करना पड़ेगा. यानी 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12. एलसीएम क्या आ गया, 36. 9 4 36 6 6 36 12 3 यानी 13/36. ये जो आया ये वर्क आया आपके पास, इतना काम उन्होंने तीनों ने मिलके पूरा किया. तो अब हम क्या कह सकते हैं कि सीता मीता एंड रीता विल टाइप ए 100 पेजेस डॉक्यूमेंट टुगेदर इन. अब हमें आर्स में बताना है तो हम क्या करेंगे, वर्क को उल्टा कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 36/13. 13 2 26 10/13 आवर्स. ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज. ए और बी जो है वो किसी काम को 18 डेज में करते हैं. हमें पता चला कि ए और जो बी है वो काम को करते हैं 18 डेज में. टुगेदर है तो हम ए प्लस बी लिख देंगे. ए प्लस बी विल डू वर्क इन 1 डे. 1 डे में कितना काम कर देंगे, 1/18. भाई वो 18 डेज में काम पूरा करते हैं तो 1 दिन का काम उनका कितना हो जाएगा, 1/18. अब बी एंड सी इन 24 डेज. अब वो बात कर रहा है बी एंड सी, इन सब का 1 डे का जो टास्क हो जाएगा वो हो जाएगा 1/24, क्योंकि उनको 24 डेज लग रहे हैं. फिर बात आती है ए एंड सी की, ए एंड सी 36 डेज. तो इनका 1 डे का जो काम हो जाएगा वो हो जाएगा 1/36. यहां तक क्लियर? फिर इन व्हाट टाइम दे डू इफ ऑल वर्किंग टुगेदर. अगर ये ए बी सी का ऐसे बताया होता तो हम लास्ट में ऐड कर देते, लेकिन अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, जैसे पहले कर रहे थे वैसे. एक वर्किंग टुगेदर का मतलब क्या है कि सबको मिला देना है, हम सबको मिला देंगे. देखो यहां पर अगर इस तरफ का हम ऐड करेंगे तो क्या, 2 टाइम्स तो यहां पे ए है, 2 टाइम्स यहां पे बी है, और 2 टाइम्स यहां पे सी है. समझ में आ रही है बात? यानी ए और ए ऐड होगा तो 2a आएगा, बी और बी ऐड होगा तो 2b आएगा, सी और सी ऐड होगा तो 2c आएगा. 2 आपने बाहर रख लिया. तो ये ए बी सी उसका डबल जो बंदे होंगे तो उनका आएगा 1 दिन का काम. उनका 1 दिन काम क्या होगा, इन सबको हम ऐड कर देंगे, 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36. एलसीएम आ गया 72. 18 4 जा 24 3 जा 36 2 जा कितना आ गया, 9/72. यानी आ गया 1/8. अब ए प्लस बी प्लस सी इनके डबल वो काम करते हैं 1/8 में. अब खाली ए बी सी कितने दिन में करेगा, ए बी एंड सी कितना काम कर देंगे, अगर ये तीनों 1 दिन में काम करेंगे तो ये कितना काम कर देंगे. देखो पहले इनकी पावर क्या थी, डबल थी, ये डबल थे. तो अब इनसे जो काम होगा वो काम क्या होगा, कम होगा. काम कम कर पाएंगे, काम कम करेंगे तो क्या होगा, कम के लिए मैंने क्या बताया था, अगर कोई चीज लेस करेंगे तो हम उससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2. ठीक है,
आपका जो ये आ गया 1/16। अब इन तीनों का एक दिन का काम 1/16 है, तो इससे क्या पता चल रहा है? जब एक दिन में ये 1/16 काम कर रहे हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि 16 डेज में पूरा काम खत्म कर देंगे, है ना, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उतने डेज लगेंगे। तो ए बी एंड सी विल कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज। क्लियर, आपका आंसर आ गया। यहां पे ध्यान देना कि अगर ये चीज हमें ऐड करनी है तो ये 2 times हो रही है पूरी, और जो ये आपका कैलकुलेशन आया ये उसके डबल जब स्ट्रेंथ है तब जाके वो इतना आ रहा है। तो सिंगल स्ट्रेंथ कर देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगल स्ट्रेंथ काम को कम करेगी, पहले डबल थी स्ट्रेंथ तो आधी स्ट्रेंथ तो उसका कम काम करेगी, तो उसको हम उससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2 क्या आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 1/16 यानी 1/D आ गया एक दिन का काम, तो डी डेज में वो पूरा करेंगे, तो एबीसी का कितने दिन में पूरा करेंगे, 16 डेज में उस टास्क को पूरा करेंगे। ए बी एंड सी कैन रीप ए फील्ड इन 15 होम 3/4 डेज है यहां पे, बी सी एंड डी इन 14 डेज, सी डी एंड ए इन 18 डेज, डी ए एंड बी इन 21 डेज, इन व्हाट टाइम कैन ए बी सी डी कैन रीप द फील्ड टुगेदर। हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसी की तरह इसको करने की कोशिश करो, वीडियो को यहां पे पॉज कीजिए और आप प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन की, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूं। चलो आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, अब हम शुरू करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, देखो तीनों मिलके काम करते हैं, वो करते हैं, इतने डेज लगते हैं। हम अगर इसको ए बी सी सीज 1 day वर्क, इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी 1/15 3/4, यानी कितना आ जाएगा, 1/63/4 यानी 4/63 आ जाएगा। 4/63 आ गया ए बी सी 1/, हमने उसका रेसिप्रोकल कर दिया, उतना वर्क आ गया उसका। अब बी सी और डी, इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 day वर्क कितना हो जाएगा, जो डेज लगते हैं उनका रेसिप्रोकल 1/14, वो इतना वर्क हो गया। फिर सी प्लस डी प्लस ए, इनका 1 day का काम कितना हो जाएगा, 18 था तो 1/18 हो जाएगा। ऐसे ही डी ए और बी, इनका 1 day का काम कितना हो जाएगा, ये 21 था तो 1/21 हो जाएगा। अब हमें बताना है कि सब मिलके, तो अब हमें मिलाना है तो क्या करना है, इन सबको ऐड करना। देखो ए ए और ए 3 times, तो ए 3 times ही बी, और 3 times ही सी, और 3 times ही डी, यहां से सारी चीजें 3 times होंगी, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का 3 times है। इनको अगर हमने ऐड किया, ठीक है, 3 times का इन सबको मिला दे और उसका 3 times कर दे, वो सभी एक दिन में जो काम करेंगे वो करेंगे 4/63 ये, प्लस 1/14 ये, प्लस 1/18 ये, प्लस 1/21। एलसीएम आ जाएगा हमारा 378। अब 63 से अगर हम करेंगे तो आएगा 6, 6 4 = 24। 14 से अगर 378 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 27, 27 × 1 = 27। अगर हम 18 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 21, 21 की मन से मल्टीप्लाई 21, प्लस 21 को अगर हम 378 से डिवाइड करेंगे, 378 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 18, तो यहां पे आएगा 18। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, 8 × 9 = 16 = 22 3 × 5 = 7 9 90/378। अब ये देखो 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 10 जा, और ये हो गया
नाइन फोर जा नाइन टू जा, अब टू से हो रहा है टू फाइव जा, टू टू जा फोर, टू वन जा टू, यानी ये जो आया ये आया आपका 5/21. लेकिन जब ये पूरी जो मैन पावर थी, पूरे जो लोग थे, इनका 3 टाइम्स था, तब खाली हमें तो खाली ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का चाहिए। इतने आदमियों का एक दिन का काम है इतना, इसमें इनकी जो थी टोटल हमने 3 टाइम्स कर दिया, सब चीजें 3 गुना है, 3 गुना जब थी तो उनका काम हुआ 5/21। लेकिन अगर हम उसका हिस्सा कम कर देंगे, यानी आदमी कम कर देंगे, तो काम भी तो कम होगा, काम भी कम होगा, तो इन सब का एक दिन का काम हो जाएगा 5/21, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 3 से, यानी 5/21 × 1/3, क्योंकि कम दिन लगेंगे भाई, कम आदमी है, कम आदमी है तो काम भी कम होगा उनका, कम आदमी कम काम करेंगे तो हम उसको डिवाइड करेंगे, तो 5/63। अब ये आ गया उनका एक दिन का काम, तो इससे हम क्या बता कर सकते हैं कि ए बी सी एंड डी विल कंप्लीटली रीप द फील्ड इन, इसका रेसिप्रोकल नंबर ऑफ डेज में हो जाएगा 63/5 डेज, या आप दूसरे शब्दों में लिखोगे तो क्या करोगे, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 12 × 3/5 days, ये आपका आंसर। ए एंड बी कैन फिनिश ए वर्क इन 20 डेज, ए कैन अलोन डू 1/5 ऑफ वर्क इन 12 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू इट। हमें पता है कि ए प्लस बी यानी दोनों मिलके एक काम को खत्म करते हैं 20 दिनों में, 20 डेज में। ए एंड बी इन दोनों का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/20, 1/D करते थे, 1/20। ए कैन अलोन फिनिश अलोन डू 1/5 ऑफ द वर्क इन 12 डेज। जो ए है वो 12 डेज में, ए इन 12 डेज फिनिश द वर्क 1/5 या विल डू द वर्क डेज डू द वर्क 1/5, वो 1/5 काम को करता है भाई, उसने 12 डेज में 1/5 काम को किया। तो ए का अब हम निकालते हैं 1 डे का, ए इन 1 डे डू द वर्क। अब एक चीज पे ध्यान दो, जब ए किसी का 12 दिन का काम ज्यादा होगा या एक दिन का काम ज्यादा होगा, भाई एक आदमी 12 दिन में ज्यादा काम करेगा या एक दिन में ज्यादा करेगा, 12 दिन में ज्यादा करेगा। अगर हमें एक दिन का निकालना है तो हमें उस काम को कम करना पड़ेगा, और कम करने के लिए हमें क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, यानी 1/5 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, यानी 1/5 × 1/12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 12/1 है 1/12, 1/60। अब जो ए है, ए का एक दिन का काम हमने निकाल लिया 1/60, अब हमें क्या निकालना है, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन, अगर उसी काम को बी करने लगे तो वो कितने दिन लगाएगा। अब हमने यहां से निकाल लिया कि ए उस काम को कितने दिन में करता है, अगर हम डेज बताएंगे तो 60 डेज, कि ए उस काम को 60 डेज में करता है, और ए एंड बी उस काम को 20 दिन में करते, तो बताओ अब बी कितने दिन में करेगा। देखो अब हमें बी का निकालना है, बी आपको कैसे मिलेगा, ये दोनों मिलके करते थे ए प्लस बी, अगर उसमें से हम ए को हटा दें, ए का बी के, ए और बी के काम में से अगर हम ए के काम को हटा दें तो किसका काम बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बी का काम बचेगा, यानी हमें बी कैसे निकलेगा, जब हम ए प्लस बी में से अगर ए को माइनस कर दें, है ना, तभी तो बी आएगा। बी कैसे आएगा, जब ए प्लस बी के काम में से ए के काम को माइन, दोनों ने काम किया इतना, एक ने काम किया इतना, तो दूसरे का काम निकालना है तो दोनों के काम में से एक का काम हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी ये चीज करनी पड़ेगी, इन
वन डे वर्क कितना हो जाएगा? इसका वन डे का वर्क हो जाएगा 1/20, दोनों ने साथ किया, माइनस एक का 1/60, एलसीएम आ गया 60, 23 जा 60, 61 जा 60, आ गया 2/60, 31/30। अब उसने पूछा कितने दिन, तो बी विल टेक 30 डेज टू कंप्लीट द वर्क अलोन, है ना, उसको कितने दिन लगेंगे, इसका रेसिप्रोकल, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, कितना जाएगा 30 डेज, तो बी को 30 डेज लगेंगे उस काम को फिनिश करने में। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज एंड 4 डेज रेस्पेक्टिवली, यानी ए जो है वो 6 डेज में करता है किसी काम को, बी जो है वो 4 डेज में करता है। ए स्टार्टेड द वर्क, ए ने काम को शुरू किया एंड वर्कड इट फॉर 2 डेज, और उसने 2 दिन के लिए काम किया, देन वाज जॉइंड बाई बी, यानी उसके बाद आके बी मिल गया। ए ने 2 दिन तक तो काम अकेले किया और उसके बाद बी उसमें शामिल हो गया, तो हमें ये बताना है कि उनको काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे या कितना समय लगेगा, हमें ये बताना है। हमें पता है एज वन डे वर्क कितना हो जाएगा 1/6, इसको हम डेज को 1/d कर देते हैं तो वो एक दिन का उसका काम आ जाएगा। ऐसे ही बीज वन डे वर्क कितना हो जाएगा 1/4। अब वो कह रहा है कि ए ने 2 दिन काम किया, तो ए का हम 2 दिन का काम भी निकाल लेते हैं, इज 2 डे वर्क भी निकाल लेते हैं हम, कि 2 दिन काम किया तो 2 दिन में उसने कितना काम करेगा। भाई एक दिन में जो काम करेगा और 2 दिन में काम करेगा तो 2 दिन में तो ज्यादा काम होगा ना, एक दिन में कम काम होगा 2 दिन में ज्यादा काम, जितने दिन ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा काम होगा, तो 1/ ज्यादा के लिए हमने क्या बताया था, ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 2, 3 जा 6, ये आ गया आपके पास 1/3। अब वो कह रहा है कि 2 दिन के बाद, 2 दिन तो अकेले ने काम किया, 2 दिन के बाद बी ने ज्वाइन किया, 2 दिन के बाद ज्वाइन किया ना बी ने, तो भाई इतना काम तो कंप्लीट हो चुका, इतना काम तो क्या हुआ कंप्लीट हो चुका, 1/3 काम कंप्लीट हो चुका जब तक बी आया, तो ए और बी के लिए कितना काम बचा, अब दोनों को मिला के जो काम करना है वो कितना बचा, तो हम रिमेनिंग वर्क निकालेंगे कि भाई काम कितना बचा है पहले ये तो पता चले। रिमेनिंग वर्क, काम हमेशा 1 होता है, 1 में से 1/3 हो चुका है, तो कितना बच गया 3 एलसीएम आ गया, 3 - 1 आ गया 2/3, यानी जो अब हमें काम करना है वो 2/3 करना है, लेकिन इस 2/3 को काम करने के लिए बी भी शामिल हो गया, यानी अब ए प्लस बी शामिल हो गए, अब अकेला ए नहीं बचा इस काम को करने के लिए, अब दोनों काम करेंगे ए प्लस बी। जब a प्लस बी अगर हम निकालेंगे तो इन दोनों का एक दिन का काम भी हमें निकालना पड़ेगा, जब दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे, इसका एक दिन का काम कितना था a का 1/6, इसका एक दिन का काम कितना था 1/4, दोनों को ऐड करेंगे 12 एलसीएम, 6, 2 जा 12, 4, 3 जा 12, कितना आ गया 5/12। अब ए और बी का एक दिन का काम आ गया इतना, और उनको काम करना है ये, एक दिन में तो इतना करते हैं वो लोग और इतना उन्हें करना है, तो ए और बी अब कितने दिन काम करेंगे उस काम को पूरा करने के लिए, तो ए एंड बी विल कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, हम बात किसकी कर रहे हैं, अब हम रिमेनिंग वर्क की बात कर रहे हैं क्योंकि रिमेनिंग वर्क को पूरा करना है, रिमेनिंग वर्क इन कितने दिन में करेंगे, देखो कुल काम कितना था 2/3 को डिवाइड कर देंगे एक दिन के काम से, उनका दोनों का एक दिन का काम कितना है, जितना काम कुल हो टोटल काम और उसमें से एक दिन का काम अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे जितने दिनों में वो पूरा करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2/3 × 12/5, 8/5 यानी आ गया 1/3/5।
फाइव। क्या ये हमारा आंसर है? इतने क्या आया, ये डेज आ गए आपके पास। अब ये वर्क नहीं बचा, हमने टोटल काम को एक दिन के काम से डिवाइड कर दिया तो वो नंबर ऑफ डेज आएंगे। उसने कितने दिन दोनों को लगेंगे उस रिमेनिंग काम को, क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, अभी हमारा आंसर नहीं आया है। ये सिर्फ हमने बताया कि रिमेनिंग काम को इतने पूरा करेंगे, हमने ये थोड़ी बताया कंप्लीट काम को, ये तो सिर्फ रिमेनिंग काम की बात हो रही है। तो अब हम लिखते हैं ए एंड बी विल कंप्लीट द वर्क इन, देखो दो दिन ऑलरेडी ए काम कर चुका है, तो पहले काम कितने दिन हो चुका? दो दिन पहले काम हो चुका, और बचा हुआ काम वो इतने दिन में हुआ, तो हम दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आ रही है बात समझ में कि भाई दो दिन तो हम काम कर चुका, दो दिन तो ए काम कर चुका है, अब जो बाकी काम बचा है उसमें इतना दिन लग रहे हैं, जब इतने दिन उसमें लग रहे हैं तो दोनों को मिला देंगे तो टोटल डेज आ जाएंगे आपके। कितना आएगा? थ्री होम, थ्री बाई फाइव डेज। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास ए और बी का एक दिन का जो वर्क आया था वो आया था 5/12, और जो रिमेनिंग वर्क था वो आया था 2/3, और हमने क्या किया था, नंबर ऑफ डेज निकाले थे जितने दिन लगेंगे। नंबर ऑफ डेज हमने कैसे निकाला था कि हमने इसके टोटल वर्क जो भी बचा था, टोटल वर्क जो था उसको वन डे वर्क से हमने डिवाइड कर दिया। ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना, बाकी ये कैसे बना मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने इसमें क्या किया था, हमने इसमें किया था कि टोटल वर्क कितना बचा था 2/3, इसको डिवाइड किया था किससे, 5/12 से, तो आ गया था 2/3 इंटू 12/5, 3/4 = 12, और ये आ गया था 8/5, ये चीज आई थी। और ये क्या आया था, ये नंबर ऑफ डेज आया था, क्योंकि ये आपने नंबर ऑफ डेज निकाला है। हमें पता है कि जब हम काम को, जब हम वर्क को, वर्क को डेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं, और जब डेज से वर्क में आए तो भी उसका रेसिप्रोकल करते हैं। तो रेसिप्रोकल अगर करते हैं तो हमें पता है कि जो 5/12 जो वर्क है कंप्लीटेड बाई ए एंड बी इन कितने दिन में हो रहा है, ये वन डे में हो रहा है, क्योंकि हमें डे निकालना है, तो हम जो चीज़ हमें निकालनी होती है हम उसको इक्वल के इस साइड में रखते हैं, हमें डे निकालने तो वन डे में करता है। अब हमारे पास काम तो वन है, अगर वन वर्क करना हो तो ए बी कितने लगेंगे, हमें पता है कि जब हमें एक काम निकालना है, काम निकालना है तो हम क्या करते हैं उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, हम वन के साथ इसको डिवाइड करते हैं 5/12, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा फिर 12/5। अब हमें निकालना है 2/3 वर्क, 2/3 वर्क, हमारे पास वन वर्क तो है नहीं, हमारे पास तो 2/3 वर्क है, तो ये ए और बी कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, हमारे पास था कि एक काम होता है 12/5 में, तो 2/3 कितने में होगा, इनटू में 2/3, कितना आ गया 3/4 = 12, 8/5, ये चीज ऐसे आई थी, ये थी रिमेनिंग वर्क की, फिर वो दो दिन पहले काम कर चुका था, दो हमने बाद में ऐड किया था। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा लर्न करना, ये आपका सिंपल है, तीन स्टेप में जो लंबा काम है वो सिंपल सा हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ डेज निकालना हो, नंबर ऑफ डेज निकालना, हमें यहाँ नंबर ऑफ डेज निकालने थे, तो हमने क्या किया, टोटल वर्क, टोटल वर्क क्या था 2/3, जो भी बचा हुआ काम है भाई 2/3 हमें काम करवाना था, 2/3 ये काम हमें करवाना था, जबकि वो एक दिन में काम इतना करते हैं, तो ये काम करवाना था वो लिखा, डिवाइड बाई एक दिन में जितना काम करते हैं उससे हमने डिवाइड कर दिया, ये आ गया आपके नंबर ऑफ डेज। सिक्स मैन कंप्लीट द इलेक्ट्रिक फिटिंग इन ए बिल्डिंग इन 7 days, हाउ मैनी डेज विल इट टेक 20 men डू द जॉब, कि वो बोल रहा है कि 6 आदमी जो हैं वो फिटिंग को करते हैं 7 दिन में, अगर वो 21 आदमी हो तो कितने दिन में करें। तो हमें पता है 6 men विल टेक 7 days, अगर एक आदमी होगा तो कितने दिन लगेंगे। देखो यहां पे 6 आदमी करते थे 7 दिन में, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा भाई, उसको तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई
ज्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यानी एक आदमी अगर करेगा तो वो करेगा 42 डेज में। लेकिन हमें पूछा है कि 21 आदमी यानी 21 मैन कितने दिन में करेंगे। अब देखो एक आदमी तो करता है 42 दिन में, 42 डेज में, तो 21 मैन कितने दिन में करेंगे, जल्दी खत्म करेंगे यानी कम दिन में करेंगे। कम दिन में करेंगे तो क्या करते हैं हम, कम के लिए, कम के लिए हम डिवाइड करते हैं, यानी वो काम को दो दिन में खत्म कर देंगे। छह आदमी काम करते थे 7 दिन में, अब एक आदमी जो काम करेगा वो तो ज्यादा टाइम लगाएगा, तो ज्यादा के लिए हमने मल्टीप्लाई किया। अब एक आदमी 42 दिन में करता था और 21 आदमी कितने दिन में करेंगे, 21 आदमी करेंगे उसको कम दिन में, कम के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो हमने भाग कर दिया। अब इसको अगर हम वेरिएशन से करना चाहें, हमने वेरिएशन में पढ़ा था, हमने इधर लिखा मैन और इधर लिखा डेज। जो 6 मैन थे वो करते हैं 7 डेज में, क्लियर। अब हमें पता है कि 21 आदमी हैं और कितने दिन में करेंगे वो निकालना है, तो वो कर दिया हमने एक्स। अब यहां पे क्या है, नंबर ऑफ मैन क्या हुआ, बढ़ा, मैं इंक्रीज का, ये मैं इंक्रीज का सिंबल यूज कर रहा हूं यानी बढ़ने का, और ये मैं डिक्रीज का यूज कर रहा हूं, आगे थोड़ा ध्यान देना इन सिंबल्स पे। तो ये नंबर ऑफ मैन हमने क्या किया, नंबर ऑफ मैन हमने बढ़ा दिए, इंक्रीज कर दिए। तो नंबर ऑफ डेज जब आपने आदमी बढ़ा दिए तो नंबर ऑफ डेज कम होंगे या ज्यादा होंगे, भाई जब ज्यादा आदमी होंगे तो कम दिन में करेंगे, कम दिन में करेंगे ना, तो नंबर ऑफ डेज क्या हुआ, नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हुआ, नंबर ऑफ डेज क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। और इससे हमें क्या पता चला, ये तो इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि 6/21 और हम इसका एक्स अपॉन 7 लिखते हैं, यानी 6:21 x:7, ये चीज होती है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 21x = 42 और यहां से x आ गया, 21 इधर मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड में 2। तो ये हम वेरिएशन से भी कर सकते हैं। 12 बॉयज अर्न ₹840 इन 7 डेज, 12 बॉयज जो हैं वो ₹840 अर्न करते हैं 7 डेज के अंदर, और हमें बताना है कि 15 बॉय जो हैं वो 6 डेज में कितना अर्न करेंगे। यानी हमें क्या पता है कि हमें पता है कि 12 बॉयज इन 7 डेज अर्न्स ₹840, ये हमें पता है। एक चीज पे ध्यान देना, हमें रुपीस निकालने हैं, इसलिए हमने जो अर्निंग है वो इस साइड रखी है, बाकी सब इस साइड रखे हैं। जो चीज अननोन होती है वो हम इक्वल के दूसरी साइड लेते के चलते हैं। अब जो 12 बॉयज है वो 7 डेज में अर्न करते हैं 840, लेकिन हमें क्या निकालना है, 15 बॉयज और 6 डेज निकालने हैं। तो हम एक काम करते हैं, इस बॉयज को भी 1 बना देते हैं, नंबर ऑफ डेज को भी 1 बना देते हैं। वो कैसे बनाएंगे, चलो हम यहां से सिंपल एग्जांपल रहते हैं, 12 बॉयज इन 1 डे। अगर हम इनका एक दिन का इनकम निकालें, एक दिन की इनकम निकालें तो कितनी होगी, देखो एक 7 दिन में वो इतना कमाते हैं, तो एक दिन में कितना कमाएंगे, कम कमाएंगे, एक दिन में तो कम कमाएंगे, 7 दिन में ज्यादा अर्न करेंगे तो एक दिन में तो कम अर्न करेंगे। तो कम के लिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा कम के लिए डिवाइड करते हैं। तो 7 × 7, 7 × 7, 7 × 2 = 14, ये आ गया ₹120। 120 रुपीज 12 लड़के एक दिन में अर्न करते हैं, तभी तो 7 दिन में 840 करते हैं। अब हम निकालते हैं कि 1 बॉय इन 1 डे कितना कमाएगा, कितना अर्न करेगा। अब देखो 12 लड़के इतना कमाते हैं, 12 बॉयज इतना कमाते हैं, तो एक लड़का कितना कमाएगा, एक भी तो कम कमाएगा, कम कमाएगा तो कम के लिए फिर हम क्या करेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 10, यानी एक अकेला लड़का एक दिन के अंदर ₹10 कमाएगा, ₹10 कमाएगा। हमें निकालना क्या है, 15 बॉय निकालना है, 15 बॉयज एंड 6 डे, 15 बॉयज एंड 6 डे। हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, सबसे पहले हम 15 बॉयज की निकाल लेते हैं 1 डे की अर्निंग, ठीक है।
वन डे में कितने अर्न करेंगे? 15 बॉयज। भाई ज्यादा लड़के तो ज्यादा, एक लड़का जब 10 रुपए अर्न करता है तो 15 लड़के तो ज्यादा कमाएंगे ना। ए वन बॉय अर्न 10 रुपीज देन 15 बॉयज विल अर्न मोर रुपीज। मोर के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये आपका आ गया 150। अब नेक्स्ट फाइनल स्टेप जो है कि 15 बॉयज हैं लेकिन नंबर ऑफ डेज क्या है? 6 डेज हैं। 150 हमारे पास आ गया था, एक दिन में तो इतने रुपए कमाए। अब देखो ये चीज बराबर हो गई, जो चीज बराबर हो जाए उस चीज को भूल सकते हैं, हम उस चीज को छोड़ सकते हैं, क्योंकि 15 बॉयज की बात चल रही है तो कॉमन बात है। अब मैं कह रहा हूं कि वन डे में जो अर्न किए वो किए 150, तो 6 डेज में कितने अर्न करेगा? 6 डेज में ज्यादा अर्न करेगा, इनटू में 6, तो हमारे पास आ जाएगा 900, यानी 900 रुपीज, 900 आपका आंसर आ गया, रुपीज 900 15 बॉयज 6 डे में अर्न करेंगे। अब अगर यही क्वेश्चन हमें वेरिएशन से करना हो तो हम कैसे करेंगे? चलो हम वेरिएशन से भी करते हैं इस क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन में है 12 बॉयज 7 डे अर्न करते हैं 840 रुपीज। हमें निकालना है 15 बॉयज 6 डेज रुपीज, ये हमें निकालना है कि उन्होंने कितने रुपए कमाएंगे अगर 15 बॉय होंगे। अब देखो यहां पे तीन टर्म्स हैं, बॉयज हैं, डेज हैं, अर्निंग है। भाई अर्निंग तो हमें निकालनी है तो अर्निंग को तो हम टच नहीं करेंगे। अब हम कोशिश कर सकते हैं इन दो टर्म को एक टर्म बनाने की। मान लो 12 बॉयज 7 डेज में कोई काम करते हैं तो वन बॉय क्या करेगा? उसको ज्यादा दिन में करेगा, तो उसको दिन नंबर ऑफ डेज जो लगेंगे वो क्या लगेंगे? ज्यादा लगेंगे, यानी 7 × 12 लगेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें ऐसे ही कि 15 बॉयज जो थे वो करते हैं 6 डेज में, तो वन बॉय कितने दिन में करेगा? 6 × 15, ये तो आ गया आपके पास 84। 84 क्या आया? डेज। ये क्या आया? 90 डेज। अब हम अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि 84 डेज में तो अर्न किए मैंने रुपीज 850 और 90 डेज में मैं कितने अर्न करूंगा। अब आपकी स्टेटमेंट में फर्स्ट टर्म ये आ जाएगी, सेकंड टर्म ये आ जाएगी, यानी जो अब आपका रेशियो आएगा वो आएगा 80। अगर नंबर ऑफ डेज, अब देखो यहां पे नंबर ऑफ डेज यहां पे क्या है? बढ़ रहा है, नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे हैं तो आपकी अर्निंग क्या होगी? जितने ज्यादा दिन होगा उतने ज्यादा अर्निंग होगी, अर्निंग भी आपकी बढ़ेगी। तो यहां पे वेरिएशन कौन सा हुआ? डायरेक्ट वेरिएशन। तो इसका मतलब क्या होगा? 84:90 जो है वो 840:, हम इसको एक्स मान लेते हैं एक्स। अब हम क्या करते हैं? मीन्स की मल्टीप्लाई और एक्सट्रीम्स की मल्टीप्लाई, मीन्स की मल्टीप्लाई है, एक्सट्रीम्स की मल्टीप्लाई है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 84 × 9/90 इज इक्वल टू 840/x, ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपको इजी लगे। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज आई, 84x इज इक्वल टू 840/90। अब 84 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो नीचे चला गया, ये आ गया 10, 10 × 9 900, 900 आपकी अर्निंग आ गई। अच्छा इस क्वेश्चन में हमने डेज में कन्वर्ट किया, हम इसको बॉयज में भी कन्वर्ट कर सकते थे कि जैसे कि 12 बॉयज किसी काम को करते हैं 7 डेज में, तो वन डे में काम खत्म करने के लिए हमें कितने बॉयज चाहिए? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो 84 बॉयज चाहिए। इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई, यानी ये आया 12 × 7 करने से, है ना, 12 × 7 से 84 आया, तो 84 बॉयज हमें चाहिएंगे, तो 84 बॉयज आ गए। अब इसको भी बॉयज में कन्वर्ट कर लेते हैं, 15 बॉयज एंड 6 डेज। 15 बॉयज अगर वन डे में हमें काम पूरा करना हो तो हमें बॉयज को बढ़ाना पड़ेगा। भाई हम इनमें से क्या करेंगे? कोई भी एक टर्म को इक्वल कर देंगे कि 12 ये इतने बॉयज
वन डे में कितना कमाते हैं या 15 बॉयज वन डे में कितना कमाते हैं, इन दोनों टर्म्स में से इक्वल कर देंगे तो हमारे पास वो चीज़, या तो बॉयज को इक्वल कर लो, इसमें हमने बॉयज को इक्वल किया क्योंकि बॉयज इसमें वन बना दिया, इसमें भी वन बना दिया, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने डेज को वन बनाया, इसमें भी वन बना दिया और इसमें भी वन बना दिया। आप किसी तरीके से भी सोल्व कर लो वही आंसर आएगा। इफ 9 गर्ल्स कैन प्रीपेयर 135 गार्लैंड इन 3 आवर्स, हाउ मेनी गर्ल्स आर नीडेड टू प्रीपेयर 270 गार्लैंड्स इन 1 आवर। हमें पता है कि जो 9 गर्ल्स हमें इसमें गर्ल्स निकालनी है, तो गर्ल्स को हम रखेंगे राइट हैंड साइड में, यानी इक्वल के जो इधर रखेंगे हम वहां पे रखेंगे गर्ल्स। तो क्या पता है कि 135 गार्लैंड्स आर मेड इन 3 आवर्स बाई 9 गर्ल्स। ठीक है कि 135 गार्लैंड्स 3 आवर्स में 9 लड़कियां बनाती हैं। अगर एक गार्लैंड बनानी हो 3 घंटे में, हम बाकी किसी चीज को टच नहीं कर रहे हैं, बाकी सेम रहेगा, 135 गार्लैंड तो बनाती है 9 लड़कियां, 135 गार्लैंड बनाती है 9 लड़कियां, एक गार्लैंड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कितनी लड़कियां चाहिए, हमें कम लड़कियों की जरूरत पड़ेगी। अगर 3 घंटे में हमें एक गार्लैंड बनानी है तो हमें लड़कियों की जरूरत क्या होगी, कम पड़ेगी, और कम के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड। 135 गार्लैंड बनती है 3 घंटे में 9 लड़कियों से, तो एक गार्लैंड बनानी है हमें 3 घंटे में, तो लड़कियों की जरूरत हमें कम पड़ेगी, कम के लिए हमने क्या किया, डिवाइड किया। अब यहां पे 1 गार्लैंड तो हो गया, अब उसको भी 1 बना देते हैं, मेड इन 1 आवर। अब देखो 3 घंटे में एक गार्लैंड 3 घंटे में इतनी लड़कियां बनाती हैं, तो एक गार्लैंड एक घंटे में कितनी लड़कियां बनाएंगी भाई, एक घंटे में देखो वही गार्लैंड थी, ये गार्लैंड एक थी, वही गार्लैंड 3 घंटे में इतनी लड़कियां बनाती थी, लेकिन वही गार्लैंड अगर एक घंटे में बनानी हो तो हमें ज्यादा लड़कियों की जरूरत होगी, क्योंकि टाइम कम हो गया, कम टाइम के लिए हमें ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 9 × 9 = 5 आ गया। ये हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि 270 गार्लैंड, हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। अब ये गार्लैंड हमने बढ़ा दिया, 1 आवर में निकालते हैं, 1 आवर में निकालेंगे भाई, 1 गार्लैंड 1 आवर में बनाने के लिए हमें इतनी लड़कियां चाहिए, एक गार्लैंड बनाने के लिए एक घंटे में, तो 270 गार्लैंड यानी 270 गार्लैंड हमने बढ़ा दिया, गार्लैंड बढ़ा दी, टाइम वही है, तो लड़कियां भी हमें बढ़ानी पड़ेंगी, बढ़ानी पड़ेगी तो हम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 54 गर्ल्स की जरूरत पड़ेगी। अब इससे आगे क्या दिया है, उन्होंने 1 आवर में ही पूछा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहीं पे अगर वो पूछता 2 आवर्स में, फिर उसी के हिसाब से हम आगे का चेंज करते, तो हमारे क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। 54 गर्ल्स चाहिए हमें 270 गार्लैंड बनाने के लिए 1 आवर में। अगर इसको हम वेरिएशन से करें तो कैसे करेंगे, गार्लैंड पहले गर्ल्स जैसे दिया है, गर्ल्स गार्लैंड एंड आर्स, गर्ल्स दी हुई है 9, गार्लैंड दी हुई है 135 और 3 आर्स दिए हुए हैं, हमें निकालना है 2, ये निकालना है, ये हमने x मान लिया 270 गार्लैंड्स इन 1 आर। अब ये चीज़ तो हम टच करेंगे नहीं क्योंकि ये चीज़ हमें निकालनी है, हम इन दोनों से हम एक एंटिटी बनाएंगे, एक क्वांटिटी बनाएंगे, या तो इन सबको गार्लैंड में चेंज कर लेंगे या सबको आर्स में चेंज कर लेंगे। तो हमारे पास गर्ल्स तो सेम है कि 9 और x, अब मान लो हम इसकी गार्लैंड बना देते हैं या आर बना देते हैं, गार्लैंड बना देते हैं, अभी 135 गार्लैंड है 3 आर्स में, तो 1 आर में कितनी गार्लैंड होंगी, 1 आर में कितनी गार्लैंड होगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 1 है तो इसको 1 बनाना इजी है, 1 आर में अगर हम देखेंगे 1 आर में कितनी गार्लैंड बनाएंगे, 135 थी 3 आर्स में, तो 1 आर के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो 135 को 3 से, बाकी अगर 270 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 270 ही आएगा।
ये आ गया हमारे पास। अब अगर हम गार्लैंड की संख्या बढ़ा रहे हैं, हमने गार्लैंड्स बढ़ानी, माला ज्यादा बनानी है, ज्यादा माला बनानी है तो लड़कियां भी बढ़ानी पड़ेंगी। तो यानी ये क्या है, ये डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन तो क्या होगा, 9:x:45:270, यानी यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू मीन्स की मल्टीप्लाई 45x, इन दोनों की मल्टीप्लाई 9:270, x की वैल्यू आ जाएगी 9:270/45, 5 से कैंसिल करेंगे 54 गर्ल्स। ये आपका वेरिएशन से हो गया। अब है पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। सिस्टर्न क्या है, ये आपकी एक पानी की टंकी है, इसको हम बोल रहे हैं सिस्टर्न। इसके अंदर एक ये पाइप लगी हुई है जिसके थ्रू इसमें पानी आ रहा है, इसके अंदर से इसमें पानी आ रहा है, ये पानी इसके अंदर है। अब यहाँ पे एक नल लगा हुआ है, इस नल से पानी बाहर निकल रहा है। अब इस तरह के क्वेश्चन होंगे कि इसमें पानी ये तो भर रही है, ये खाली कर रही है, तो बताओ। तो जो अंदर डालती है पानी उनको हम बोलते हैं इनलेट्स, जो पानी अंदर लेके आती है, मतलब वो सारी चीजें अंदर लेके आ रही है, अंदर आ रही है इनलेट्स। मान लो एक पाइप हो, दो पाइप हो, जो भी पानी टंकी भरने वाले, और जो बाहर निकाल रही है उसको हम बोलते हैं आउटलेट। ठीक है, इनलेट और आउटलेट समझ में आ गया। अब हम बात क्या करते हैं कि जो इनलेट्स होती हैं इनको हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, क्वेश्चन के साथ में समझा दूंगा। और आउटलेट्स जो होती हैं इनको हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं। अब इनको पॉजिटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि ये तो भर रही है, लेकिन इसको नेगेटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि ये उसको खाली कर रही है। तो इसलिए इनलेट्स हमेशा पॉजिटिव और आउटलेट्स हमेशा नेगेटिव ली जाती है। इन जब हम फिल करने की बात करते हैं, जब हम टैंक फिल की बात करते हैं, अगर टैंक खाली करने की बात हो तो इसका उल्टा होगा, आउटलेट को हम पॉजिटिव लेंगे और इनलेट्स को हम नेगेटिव लेंगे। जब टैंक फिल करने की बात करते हैं तो इनलेट्स पॉजिटिव और आउटलेट्स नेगेटिव। हमारे पास क्वेश्चन है, ए सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाई वन टैब इन 8 hours एंड बाई अनदर टैब इन 4 hours, कि दो टैप हैं, उनके टैप हैं उनके पास, मतलब 8 hours में और 4 hours में फिल करता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द सिस्टर्न इफ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर। इसका मतलब क्या है, एक सिस्टर्न है आपके पास, इसमें दो पाइप हैं जिनसे पानी आ रहा है, एक पाइप ये है एक ये है, इससे पानी आ रहा है, इससे पानी आ रहा है, यानी ये दोनों क्या है, इनलेट्स। अगर ये भरती है तो ये 8 hours में भरती है, और ये भरती है तो ये 4 hours में, ये हमारे पास दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द सिस्टर्न इफ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर। अभी अलग अलग का टाइम दिया हुआ है, अगर ये हमने दोनों एक साथ खोल दी इसके अंदर तो कितनी देर में भरेगा। सेम वही चीज है कि एक टैब जो काम करता है टैंक को भरने में, टैब क्या कर रहा है, काम कर रहा है, 8 hours काम कर रहा है इस टैंक को भरने में, ये 4 hours काम कर रहा है इस टैंक को भरने में, तो वो काम वाले ही यानी वर्क वाले ही चीजें यूज होगी। यहां टैब क्या हो रहा है, काम ही हो रहा है। तो अब हम यहां क्या करेंगे कि मान लो फर्स्ट टैब है, फर्स्ट टैब की बात करते हैं, फर्स्ट टैब की बात करते हैं, फर्स्ट टैब वर्क इन 1 hour कितना काम करेगी, 1/8। यहां पे जो टाइम है वो आवर्स में है, डेज में नहीं है, तो हम 1/8, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आवर्स में हो, चाहे डेज में हो, चाहे मिनट्स में हो। तो इसका जो 1 hour का काम था वो आ गया 1/8। ऐसे ही सेकंड टैप जो था उसका 1 hour का जो काम आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4। अब दोनों को यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों टैप को मिला के यानी टुगेदर जो है उनका 1 hour का काम यानी 1 hour का काम आ जाएगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों फिल करने का काम करी, दोनों इनलेट है, इनलेट है तो इसलिए पॉजिटिव। और एक चीज और है कि वो विल टेक टू फिल, फिल की बात कर रहा है, फिल है तो हम इनलेट को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो इनलेट दोनों पॉजिटिव और दोनों को हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे एलसीएम 8 आ गया, 1+2 आपका आ गया टाइम 3/8, 3/8 क्या आ गया, ये वर्क आ गया। तो अब बोथ टैप्स opened together takes,
अगर हम इसको टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल यानी 8/3 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, इतने आवर्स में टाइम था तो हम आवर्स ही लिखेंगे। टू टैप्स ए एंड बी कैन फिल एन ओवरहेड टैंक इन 10 hours एंड 15 hours रेस्पेक्टिवली, बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर 4 hours एंड देन बी इज टर्न्ड ऑफ, हाउ मच टाइम ए टेक टू फिल द रिमेनिंग टैप रिमेनिंग टैंक। अभी हमें दो टैप दिए हुए हैं, ए भी फिल कर रहा है और बी भी फिल कर रहा है, दोनों फिल कर रहे हैं और हमें जो बताना है वो फिल करने में ही टाइम बताना है, यानी जो इनलेट्स हैं दो हैं हमारे पास, इनलेट्स कौन कौन सी हैं, ए एंड बी, तो इनलेट्स दो है, दोनों को हम पॉजिटिव लेंगे, तो ए टैप ए 1 hour वर्क कितना हो जाएगा, या कैन फिल द टैंक जो है वो 1/10 टैंक फिल करेगी, एज टैप ए कैन फिल द टैंक इन 1 hour इज 1/10 इतना हिस्सा वो फिल कर पाएगी। ऐसे ही अगर टैप बी की बात करें तो उसका भी 1 घंटे का 1 hour का जो काम होगा वो 1/15 होगा। उसके बाद क्या बोला उसने कि बोथ टैप्स आर ओपन, बोथ टैप्स की बात करें तो सबसे पहले हम ए प्लस बी निकालेंगे, ए प्लस बी का 1 hour का काम कितना हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/15, एलसीएम आ गया 30, 10 × 3 = 30, 15 × 2 = 30 आ गया 5/30, 1/6, यहां पे दोनों का 1 घंटे का जो काम आया वो आया 1/6, 1/6 जब आ गया 1 घंटे का काम तो हमें निकालना है ए और बी के 4 hours का काम, 4 hours का कितना काम हो जाएगा, 4 hours में तो वो ज्यादा काम करेंगे, 4 hours में जब वो ज्यादा काम करेंगी तो 1/6 था, ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 4 hours में कितना ज्यादा काम करेंगी, कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2/3, इतना काम वो 4 hours में कर देंगी। अब क्या बोल रहे कि रिमेनिंग टैंक जो है वो बी कितनी देर में फुल करेगा, तो हम रिमेनिंग टैंक निकालेंगे, रिमेनिंग टैंक फुल टैंक तो 1 हो गया, 1 में से हम 2/3 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/3, रिमेनिंग टैंक ये है, और जो ए का जो है वो 1/10 है, ए जो लेता है फिल करने में 1 घंटे में वो 1/10 है, तो हमें क्या बताना है टाइम बताना है, तो टाइम हमने बताया था कि रिमेनिंग वाले रिमेनिंग टाइम रिक्वायर्ड टू फिल रिमेनिंग टैंक, कि जो बचा हुआ टैंक है उसको फिल करने में जो टाइम लगेगा, जो टोटल बचा हुआ है 1/3, और जो वो 1 घंटे में फिल करता है वो 1/10 1/10, तो अब 1/3 × 10/1 यानी 10/3, 3 × 3 = 9, इतने आवर्स इतने घंटे उसको लगेंगे 3 होम 1/3 hours उसको रिमेनिंग टैंक फुल करने में। अगर यहीं पे क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ होता कि हाउ मच टाइम टैंक विल बी फिल्ड, कि कितने टाइम में टैंक भर जाता, तो हम यहां पे क्या कहते, टोटल टाइम अगर बात कर रहा है वो टोटल टाइम की बात कर रहा है, तो 4 hours तो दोनों टैंक चले हैं, तो ये 4 hours प्लस उसके बाद केवल दूसरा जो था ए, जो ए चला था वो चला है 3 home 1/3 hours, तो ये कितने हो जाएगा 7 home 1/3 hours, तो टोटल अगर पूछा है तो वो इतना आएगा। ए सिस्टर्न हैज टू इनलेट्स ए एंड बी विच कैन फिल इट इन 12 hours एंड 15 hours रेस्पेक्टिवली, एन आउटलेट कैन एम्प्टी द फुल सिस्टर्न इन 10 hours
इफ ऑल द थ्री टैप्स ओपन टुगेदर इन एम्प्टी सिस्टम हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द सिस्टम कंप्लीटली। अब वो बात कर रहा है कि ए जो है वो 12 आवर्स में फिल करता है, बी जो है वो 15 आवर्स में फुल करता है, और जो आउटलेट, हम चलो आउटलेट को मान लेते हैं सी, सी आउटलेट है वो 10 आवर्स में इसको खाली कर देती है, फुल टैंक अगर है तो खाली कर देती है 10 आवर्स में। ये सबका इंडिविजुअल दिया हुआ है, सबका अलग अलग दिया हुआ है। इफ ऑल द थ्री टैप्स ओपन टुगेदर, अगर तीनों टैब को एक साथ हम खोल दें एम्प्टी सिस्टम के अंदर, कि जो खाली टैंक था जब तीनों खोल दी, फिर हमने मतलब पानी आना शुरू हुआ, पानी निकलना शुरू हुआ, तो बताना है कि उसको फुल होने में कितना टाइम लगेगा। अभी अगर हम निकालेंगे ए इज वर्क फॉर वन आर, कितना हो जाएगा 1/12। बीज वर्क कितना हो जाएगा, ये दोनों इनलेट हैं, ध्यान रखना ये दोनों इनलेट्स हैं, इसका हो जाएगा 1/15। यहाँ तक तो हमें पता है, पहले हम करते आए हैं, हमें पता है कि सी का जो 1 आर का वर्क है वो होगा 1/10। लेकिन ध्यान देना, सी क्या है, आउटलेट है, आउटलेट क्या कर रही है, आउटलेट खाली कर रही है, तो ये हम माइनस लेंगे बाद में। ये दोनों तो टैंक फिल कर रही हैं, ये खाली कर रही है, हमें पता करना है कि तीनों मिलके, तीनों का मिलने का मतलब क्या है कि ए मिले बी मिले, लेकिन सी तो माइनस होगा क्योंकि सी तो कम कर रहा है, तो तीनों मिलने का मतलब ये है। ये मतलब समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, यहीं पे आपका बिल्कुल क्लियर है। तो अब इनका एक घंटे का काम हो जाएगा, 1/12 प्लस 1/15 माइनस 1/10। जब हम इन दो चीज को देखेंगे, ये दो चीज टैंक फिल कर रही है, ये खाली कर रही है, तो फिल करने वाली तो उसमें जोड़ रही है यानी ऐड कर रही है, तो ऐड करने का मतलब हम इनमें सम करेंगे, लेकिन ये क्या कर रही है, उस पानी को सब्ट्रैक्ट कर रही है, निकाल रही है, निकालना मतलब सब्ट्रैक्ट करना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। थर्ड टर्म को हमने सब्ट्रैक्ट किया, एलसीएम आ गया हमारे पास 60 आ गया एलसीएम, 5 + 15 = 4, 10 = 6, तो यहां पे आ गया 3/60, 3 से कैंसिल हो गया 20, 1/20। अगर हम तीनों टैब को एक साथ एक घंटे के लिए खोल देते हैं, 1 आवर के लिए खोल देते हैं, तो 1/20th टैंक को वो फिल कर देंगी। हमें क्या बताना है कि उसने टोटल टाइम कितना लिया, ए बी एंड सी ओपन्ड टुगेदर टाइम टेकन टू फिल द टैंक कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 20 आवर्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में डाल के, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये फ्री ट्यूशन का बेनिफिट पहुंच सके। यदि आप अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब से बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपके पास मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्रायोरिटी पे पहुंचे। हम फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है एडवोक के नाम से, या आपके कोई ओपिनियन, कोई सजेशंस, या आपका किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है edubook@gmail.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड डे एंड गुड बाय।